हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। इस वीडियो में आज हम पाइथन में क्लास मेथड्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम बेसिक्स ऑफ क्लास मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ यूज केस डिस्कस करेंगे। इसके आने वाले पार्ट टू में हम इसके एडवांस यूज केस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि पाइथन में जितने भी क्लासेस होते हैं उसके अंदर हम तीन तरह के मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, जो कि इंस्टेंस लेवल के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो कि ऑब्जेक्ट से बाउंड होता है, ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता है, वो क्या होते हैं हमारे इंस्टेंस मेथड, ठीक है। सिमिलरली जो क्लास मेथड होते हैं वो क्या होते हैं, क्लास से बाउंड होते हैं। मतलब क्लास लेवल के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं, क्लास मेथड। नाम से क्लियर है, ठीक है। तो ये केवल जितने भी क्लास लेवल के वेरिएबल होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, उसी को एक्सेस कर सकता है और उसको मॉडिफाई कर सकता है, मतलब क्लास के स्टेट को चेंज कर सकता है। सिमिलरली जितने भी इंस्टेंस मेथड होते हैं उसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट पर जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सेल्फ होता है। सेल्फ क्या करता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पॉइंट करता है। सिमिलरली जो क्लास मेथड होते हैं उसका जो फर्स्ट पैरामीटर होता है क्या होता है, CLS, मतलब क्लास का रेफरेंस, क्लास के रेफरेंस को पॉइंट करता है। सिमिलरली उसके बाद जो हमारे मेथड होते हैं क्लास मेथड, इसको हम ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट क्योंकि ये क्लास मेथड है तो इससे अच्छा है, सबसे मतलब जो रिकमेंडेड होता है कि आप क्लास को क्लास नेम से एक्सेस करें, क्लास नेम डॉट क्लास मेथड, ठीक है। जैसे हम ऑब्जेक्ट नॉट नेम डॉट इंस्टेंस मेथड एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर से, सिमिलरली हम क्लास के नेम के साथ डॉट लगा के क्लास मेथड को एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे यूज केस है, मैंने यहाँ पे 5 यूज केस लिख के रखे हैं। इस वीडियो में हम 2 यूज केस डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्लास के एट्रीब्यूट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड। उसके बाद हम अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पाइथन में हमें पता है कि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा या इनिशियलाइजर मेथड इनिट, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बट क्लास मेथड के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जावा में हम क्रिएट करते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम बताएंगे कि उसका एक अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर कैसे पाइथन में हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड, ठीक है। इसके बाद हम जिसका पार्ट टू होगा उसमें हम इसके कुछ डिजाइन पैटर्न में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री मेथड को डिफाइन करने के लिए, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए, या क्लास को हम कैसे इनहेरिटेंस में यूज करते हैं उसको भी हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में चलते हैं, हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लास मेथड्स क्या क्या होते हैं, उसके कुछ हम यूज किया देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्लास क्रिएट करके पहले से रखा है, ये क्लास है, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक एम्प्लॉय क्लास डिफाइन किया है, उसके अंदर 3 इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जिसको हम इनिट से पास करते हैं और सेल्फ से एक्सेस करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम और सेल्फ डॉट एज, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल के एट्रीब्यूट है, या इसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट भी हम कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास क्लास लेवल का भी एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है, माई मतलब कंपनी का जो नेम है। तो एक एक जितने भी एक कंपनी होगा उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, बट कंपनी का नेम सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने क्लास लेवल में डिफाइन किया, क्योंकि जो एट्रीब्यूट सारे एम्प्लॉय के लिए मतलब सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो, ठीक है। तो बेटर है कि आप उसको एक क्लास लेवल एट्रीब्यूट में डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट क्लास होता तो सारे एक स्कूल के सारे स्टूडेंट के लिए स्कूल का नेम क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो हर जगह मतलब यहाँ पे अभी मैं पास करता कंपनी नेम, तो हर जगह क्योंकि कंपनी का नेम सेम ही होता, राइट। क्योंकि मैं जैसे किसी कंपनी के लिए बना रहा हूँ, कंपनी के एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, तो सारे एम्प्लॉय के कंपनी नेम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या डिफाइन किया होगा, क्लास लेवल एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंस्टेंस मेथड डिफाइन किया है, तो इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे इंस्टेंस मेथड में पहला पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ क्या पॉइंट करता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को, मतलब करंट ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो सेल्फ से हम सारे इतने भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड के अंदर हमने एक्सेस किया हुआ, तो ये हमारा सिंपल क्या है, इंस्टेंस मेथड। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्लास मेथड डिफाइन किया हुआ, तो किसी भी मेथड को क्लास मेथड बनाने के लिए हमें एक डेकोरेटर मार्क करना होता है, क्लास मेथड। नाम से क्लियर है, क्लास मेथड हमें अगर करना है क्रिएट करना है, तो क्लास मेथड डेकोरेटर हमें यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल जो हमारा क्लास एट्रीब्यूट है कंपनी नेम, उसको क्या किया हमने, प्रिंट किया, मतलब एम्प्लॉय का कंपनी का जो नेम होगा उसको हमने क्या किया है, प्रिंट किया, ठीक है। ये देखो कंपनी का नेम हमने क्या किया, प्रिंट किया है। तो इसका पहला पैरामीटर क्या होगा, CLS। CLS मतलब क्लास का पॉइंटर, क्लास के रेफरेंस। तो जैसे यहाँ पे हम सेल्फ यूज कर रहे थे, वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपनी का नाम, ठीक है, ये सेल्फ डॉट कंपनी नेम। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो हमने सीख लिया कि कैसे हम किसी भी मेथड को क्लास मेथड बनाएंगे। ईएमपी एम्प्लॉय, मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय है अमित, फर्स्ट नेम है, और लास्ट नेम मान लीजिए है अमित शुक्ला, ठीक है।
और मान लीजिए एज 27, ठीक है, कि हमने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे या ई एम पी डॉट गेट डिटेल्स या गेट डिटेल्स प्रिंट करूँ तो हमें मिल जाएगा एम्प्लॉय का डिटेल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस मेथड कॉल किया। ये क्या, हम इंस्टेंस मेथड की जगह हम क्लास मेथड को भी इंप्लॉय से कॉल कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट से क्लास मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। गेट कंपनी नेम, देखो ये क्या है, ये क्या है, एक इंप्लॉय मेथड, मतलब ऑब्जेक्ट से हम जितने भी क्लास के एट्रीब्यूट है या मेथड से हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सारा सारे ऑब्जेक्ट के लिए जो क्लास लेवल के एट्रीब्यूट होंगे वो क्या होंगे या मेथड होंगे क्या कॉमन होंगे, ठीक है। ये देखो कंपनी का नेम भी यहाँ पे एबीसी इंटरप्राइज आ गया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे एमपी डॉट कंपनी नेम, कंपनी नेम क्या है, क्लास लेवल का एट्रीब्यूट है, क्या है, क्लास लेवल एट्रीब्यूट, ठीक है, ठीक है। क्लास लेवल एट्रीब्यूट को भी आप प्रिंट कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का मतलब इंस्टेंस ही होता है, ठीक है। ये देखो हमने इसको एमपी डॉट कंपनी नेम से भी एक्सेस कर लिया। बट जो क्लास मेथड होते हैं उसको एक्सेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उसे क्लास के नेम से एक्सेस करें, emp employee dot class name, देखो एक, मतलब ये क्लास नेम क्या है, एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट, और गेट कंपनी नेम क्या है, एक क्लास मेथड है, क्या है, क्लास मेथड है, क्या है, क्लास मेथड है। तो अच्छा है कि आप क्लास के नेम से उसे आप कॉल करें, ठीक है। ये देखो क्लास नेम से हमने इसे कॉल किया तो कॉल हो गया, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे कॉल किया तो क्या हो गया, ये इस तरह से हमने इसे कॉल कर लिया, ठीक है। अब अगर आप डायनेमिकली चाहें कि हम क्लास एट्रीब्यूट को चेंज करें, ठीक है, कैसे चेंज करें, जैसे मैं कहूँ emp डॉट कंपनी नेम, अगर मैं इसे चेंज करके मान लीजिए इसे करता हूँ गूगल, ठीक है, मान इसने एक काम है, यहाँ पे एम्प्लॉय का कंपनी नेम चेंज कर रहा हूँ। कंपनी नेम ध्यान देना कि क्या है, क्लास लेवल का एट्रीब्यूट, ठीक है, क्या है, क्लास लेवल का एट्रीब्यूट है। तो क्लास लेवल का एट्रीब्यूट है, देखते हैं, अगर मैं प्रिंट करूँ अभी एम्प्लॉयज, आप ध्यान देना यहाँ पे emp डॉट कंपनी नेम, अगर अभी प्रिंट करूँ क्या रहा है, गूगल आ रहा है, ठीक है, क्या रहा है, गूगल आ रहा है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्लास एट्रीब्यूट है उसको भी हम ऑब्जेक्ट से चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे चेंज हम कर पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट से अभी क्या हो रहा है, क्योंकि क्लास का जो एट्रीब्यूट है उसको भी हम मतलब ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे आप प्रिंट करूँ emp डॉट गेट कंपनी नेम, ठीक है, देखना अभी क्या आता है, गूगल आता है या एबीसी आता है, क्या रहा है, एबीसी आता है, क्या रहा है, एबीसी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंपनी नेम कॉल कर रहे हैं वो क्लास के नेम से कॉल कर रहे हैं, किससे चेंज कर रहे हैं, क्लास के रेफरेंस से, और क्लास का रेफरेंस तो हम एम्प्लॉय से चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो क्लास के रेफरेंस में कंपनी का नेम अभी भी क्या है, यही है, सेम ही है। अगर यहाँ पे सेल्फ डॉट कंपनी नेम होता, क्या होता, सेल्फ डॉट कंपनी नेम होता, तब तो आप इसको यहाँ पे चेंज करते तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता। तो इस तरह से आप स्पेसिफिकली आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए क्लास एट्रीब्यूट को चेंज तो कर सकते हैं, बट क्लास मेथड के अंदर उसे चेंज करना इम्पॉसिबल, क्योंकि जो क्लास मेथड के अंदर हम सीएलएस मतलब क्लास के एट्रीब्यूट, क्लास के रेफरेंस से हम क्लास ऑफ एट्रीब्यूट को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह से आप डायनामिकली इसे चेंज कर नहीं सकते हैं, मतलब क्लास लेवल के एट्रीब्यूट को आप जो ऑब्जेक्ट से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि इसके यूज केस कहाँ कहाँ पे होगा, हम इसका पहला यूज केस देखते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, तो हमने सीख लिया कि कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट को। अगर क्लास एट्रीब्यूट को आपको मॉडिफाई ही करना है तो आप क्या करेंगे, क्लास नेम से आप चेंज करेंगे, मतलब एम्प्लॉय डॉट, अगर मुझे कंपनी वालों ने कंपनी का नेम चेंज कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ और कर दिया, तो मान लीजिए एबीसी की जगह मान लीजिए उसने कर दिया अब एबीसी इंटरप्राइज की जगह उसने मान लीजिए नेम में कुछ कर दिया एबीसी लिमिटेड, ठीक है, अभी चेंज कर दिया। अभी अगर मैं अभी प्रिंट करूं emp डॉट गेट कंपनी नेम, देखना कंपनी का नेम क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो हम एट्रीब्यूट अगर चेंज करना चाहते हैं क्लास एट्रीब्यूट को, तो हमें उसे क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट से ही कॉल करना होगा। देखो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट क्लास कंपनी नेम किया तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ठीक है, हमने गूगल किया तो गूगल यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था क्लास मेथड के अंदर। तो क्लास मेथड के अंदर अगर आपको कुछ चेंज करना तो क्लास नेम से ही करना होगा, ठीक है। ये आप चाहें तो जैसे हमें पता है कि पाइथन में हम डायनेमिकली भी मेथड या एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट में, ठीक है, हमको पता है, ठीक है। जैसे मैं चाहूँ कि यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करता हूँ डेफ, और एक मेथड डिफाइन करता हूँ मैं मान लीजिए गेट कंपनी लोकेशन, और कंपनी लोकेशन तो सेम होगा सारे ऑब्जेक्ट के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं से क्लास मेथड डिफाइन करता हूँ और प्रिंट कंपनी
लोकेशन, ठीक है, और सी एल एस डॉट लोकेशन, मान लीजिए कंपनी का लोकेशन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक क्लास जो हमारा एम्प्लॉई डॉट, इसको एक लोकेशन डिफाइन कर देता हूँ कि लोकेशन मान लीजिए क्या है, मुंबई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो डायनेमिकली क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली एडिंग क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। हमने यहाँ पे डायनेमिकली एक क्लास एट्रीब्यूट एड किया है, ठीक है। हम चाहें तो डायनेमिकली एक क्लास मेथड भी एड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो एम्प्लॉई एम्प्लॉय का मुझे एक क्लास मेथड ऐड करना है, मान लीजिए गेट कंपनी लोकेशन, ठीक है। तो हमें क्या ऐड करना है, क्लास मेथड, ठीक है। तो क्लास मेथड फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर जो हमारा गेट कंपनी लोकेशन क्या कर देंगे, हम कॉल कर देंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो जो हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से आप गेट कंपनी लोकेशन भी आप इसमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कॉल करके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली इसमें चीजें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखो कंपनी लोकेशन का और अपेंड हो रहा है मुंबई नेम। तो इस तरह से हम डायनेमिकली भी क्लास मेथड को या क्लास एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं, इसे पाइथन में कहते हैं मंकी पैचिंग, ठीक है। अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डेल मान लीजिए हमें डिलीट करना है यहाँ से, मान लीजिए इसी को हमें डिलीट करना है, सेम मेथड को डिलीट कर देना है, ठीक है। गेट कंपनी लोकेशन को हमें डिलीट कर देना है, ठीक है। क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। आप देखो कॉल नहीं कर पाएंगे आप, देखो यहाँ पे ना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है नॉट ट्रिब्यूट गेट कंपनी लोकेशन, ठीक है। तो इस तरह हमने डिलीट भी करना सीख लिया। तो आप रियल टाइम में मतलब रन टाइम में भी आप चाहे तो क्लास मेथड या क्लास एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीख लिया पहले उसके हमारा कि कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, मैनेज करेंगे क्लास लेवल के एट्रीब्यूट को विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड। अगला था कि अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे हमें कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है पाइथन में, मेनली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना तो होता ही है उसके लिए, बट यहाँ पे अगर आप इनिट को कंस्ट्रक्टर मान रहे हो तो इनिट क्या करता है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को केवल इनिशियलाइज करता है, क्रिएट नहीं करता। उसके लिए इंटरनली ये एक डेंडर मेथड कॉल करता है न्यू, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जितने पैरामीटर हम पास करते हैं, ठीक है, नेम लास्ट नेम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने होते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि दो पैरामीटर की तरह हम एक ही पैरामीटर पास करें, फुल नेम। तो फुल नेम जब पास करेंगे हम, तो उसमें से अगर हम स्प्लिट कर देंगे, मान लीजिए अमित शुक्ला मैंने प्रिंट किया, पास किया एक ही पैरामीटर, ठीक है। तो अमित और शुक्ला को हम स्प्लिट करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास कर सकते हैं। तो हम ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट में दो पैरामीटर पास ना करें बट एक ही पैरामीटर पास करें, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एफ क्रिएट एम्प्लॉय विथ फुल नेम, ऐसा हम एक ऐसा चाहते हैं कि फुल नेम एट वो इनपुट ले, ठीक है। बट फुल नेम एट इनपुट तो वो ले, बट जो क्रिएट करे वो ऑब्जेक्ट वो इसी तरह का हो, मतलब सेम इसी तरह का ऑब्जेक्ट हो, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे क्लास मेथड, क्या बनाएंगे हम क्लास मेथड। तो क्लास मेथड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सी एल एस पास करेंगे, क्या पास करेंगे सी एल एस, ठीक है, सी एल एस मतलब, और उसे हम क्या पास करेंगे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पास करेंगे क्लास मेथड, ठीक है। अब हमें क्या करना, फाइंड करना फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम होगा और ये क्या होगा लास्ट नेम होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो फर्स्ट नेम होगा, जो फुल नेम है, अगर मैं उसे स्प्लिट कर दूं, ठीक है, स्पेस पे, तो ये क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे मान लीजिए होता अमित, मान लीजिए रिया वर्मा, रिया वर्मा होता तो स्पेस पे अगर स्प्लिट होता तो ऐसे आता, राइट, ये एक लिस्ट आता रिया और यहाँ पे आता वर्मा, ठीक है, ऐसे एक लिस्ट आता, ऐसे आता। तो हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम हो क्या होगा, रिया हो जाएगा, और जो लास्ट नेम होगा क्या होगा। अब अगर नेम में दो तीन और भी चीजें होंगी तो क्या होगा, वो फर्स्ट और सेकंड को ही लेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मान लीजिए अभी हम ऐसा ले रहे हैं, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर लेना। मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ कि नेम में केवल दो ही वर्ड है, मान लीजिए ऐसा मान रहा हूँ मैं कि नेम में केवल दो ही वर्ड है, बट नेम में कई वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मतलब हिसाब से कि हम लास्ट वाला जो होगा स्पेस उसी पे केवल स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो जो इससे पहले वाला होगा, मान लीजिए यहाँ पे होता एक और नेम होता, ठीक है, रिया कुमारी वर्मा, ऐसा होता रिया कुमारी ऐसे होता। तो आपको यहाँ पे स्प्लिट करते हुए यहाँ पे ध्यान देना कि ये यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, जब स्प्लिट करेंगे स्पेस पे तो यहाँ पे तीन वर्ड आएगा, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर लेना। मैं क्या मान रहा हूँ सिंपल केस में कि यहाँ पे केवल अभी नेम में दो ही वर्ड है, फर्स्ट नेम का एक वर्ड है, क्या है सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, जो फर्स्ट नेम होगा इनिशियल हो जाएगा रिया से, और सेकंड नेम क्या हो जाएगा वर्मा से, ठीक है। अब हमें
जो हमारा क्या करना है, हमें क्रिएट करना है क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो क्या करेंगे हम रिटर्न करेंगे क्या सीएलएस, सीएलएस मतलब क्लास का नेम यहाँ पे आएगा इसकी जगह पे, क्लास का नेम और उसके बाद क्या चलेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और हमें इनपुट में क्या लेना होगा फुल नेम के साथ एज भी तो लेना होगा, क्योंकि एज को हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है एज को भी हम यहाँ से पास कर लेंगे। ठीक है ठीक है, अगर आप जावा वगैरह लैंग्वेज में देखो तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, क्लास के नेम से ही कॉल होता है। ठीक है, बट इंटरनली जो न्यू मेथड होता है वो एक्चुअली क्लास ने इसी तरह से ही कॉल करता है। न्यू मेथड पे हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप जाके उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कि एक्चुअल में पाइथन में कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है। पाइथन का जो इनिट होता है एक्चुअली पाइथन में कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, दिस इज जस्ट इनिशियलाइजर। पाइथन का जो कंस्ट्रक्टर होता है ओरिजिनली वो क्या होता है न्यू, जिसे हम ऐसे कॉल करते हैं न्यू से। ठीक है, इसी तरह ये होता है, ये होता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक क्लास मेथड ही होता है। ठीक है, ये क्लास मेथड ही होता है, तो ये क्लास नेम से ही कॉल होता है, कोई भी कंस्ट्रक्टर होता है जो हमेशा क्लास के नेम से ही कॉल होता है इंटरनली। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से हम अब क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे इसका ऑब्जेक्ट, क्या लेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। अब हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे, हम पूरा नेम पास करके दोनों को स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय बनाता हूँ, रिया रिया एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से हम क्या करेंगे इसे क्रिएट करेंगे क्या एम्प्लॉय के फुल नेम से। ठीक है, तो फुल नेम मान लीजिए वर्मा और मान लीजिए एज क्या है 25। ठीक है, ये एज। ठीक है, अब अगर आप प्रिंट करें सेम आपका ये ऑब्जेक्ट ही रियर डॉट गेट डिटेल्स, ठीक है, या गेट डिटेल्स अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको सेम आंसर सेम ऑब्जेक्ट की तरह मिलेगा। ठीक है, ये देखो एज, ओके और उसके बाद नेम। ठीक है, ये रिया फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम क्या हो गया वर्मा, एज क्या हो गया 25। हमने कहा फुल नेम पास करके भी यहाँ पे हमने सीख लिया कि हम फुल नेम पास करके कैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट को सेम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे ये क्या हो गया, एक तरह से ओवरलोडिंग हो रहा है कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास मेथड। ठीक है, क्लास मेथड के हेल्प से आप अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे आप चाहे तो यहाँ पे एज के लिए भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे एज क्या होता है, या तो आप एज पास करें या किसी का डेट ऑफ बर्थ भी अगर आप पास करते हैं तो वहां से भी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई चाहता है कि हम एज ना पास करें, हम हमारे पास पहले से ही क्या अवेलेबल है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, हम उसी से क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट करते क्रिएट एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे हम लेते क्या सीएलएस, अब हमें चाहिए क्या फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और क्या चाहिए हमें डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डीओपी, डीओबी चाहिए हमें। ठीक है, ये हमें चाहिए। ठीक है, ठीक है, डीओबी चाहिए हमें, सॉरी इसे हम क्या डिफाइन कर देंगे, इसे हम क्या बनाएंगे स्टैटिक मेथड, सॉरी क्लास मेथड। ठीक है, क्लास मेथड बना दिया हमने इसे। अब क्या करेंगे हम, हमें इसका किसी भी एज से अगर हमें एज कैलकुलेट करना है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है एज। ठीक है, तो हम उसके लिए मान लीजिए हम डेट इनपुट ले रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए किसी का जन्म है 12 जनवरी, तो 12 जनवरी ऐसे इनपुट ले रहे हैं, मान लीजिए हम 12 जनवरी 2000, मान लीजिए 1994 ऐसा है, तो इस तरह से हम इनपुट लेंगे, हम ऐसे यहाँ पे यूजर को बता देंगे कि इस तरह से हमें इनपुट देना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो डेट ऑफ ईयर है, ठीक है, DOI है, मतलब डेट ऑफ ईयर है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, और जो हमारा करंट टूडे मतलब आज का दिन है उसका ईयर क्या होगा उससे हम क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से हम DOB ले रहे हैं, तो डेट ऑफ ईयर अगर निकालें हम DOY, डेट ऑफ ईयर निकालें हम, तो जो DOB होगा उससे क्या करेंगे स्प्लिट कर, क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे किस पे, हाइफन पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस पे स्प्लिट कर देंगे और लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला ईयर होगा माइनस वन क्या करेंगे ले लेंगे, और इसे हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर, क्या करेंगे हम इंटीजर। ठीक है, इस तरह से हम, तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए हमारा जो करंट ईयर है। ठीक है,
करंट ईयर मान लीजिए क्या चल रहा है, तो हमें करंट एज के लिए क्या निकालना होगा, आज का डेट। तो मान लीजिए डेट डॉट टूडे, आज का डेट जो कि हमारा डेट टाइम फंक्शन होता है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम डेट टाइम फॉर डेट, ठीक है, आज का डेट जो होगा उसका ईयर, ठीक है, ये आज का ईयर हो गया, ठीक है, मतलब आज का इस ये कौन सा ईयर चल रहा है, ठीक है। अब जो एज होगा, एज क्या होगा, एज क्या होगा, मतलब अगर ये अभी एज क्या है, मान लीजिए अभी चल रहा है 2023, ठीक है, ये तो क्या करेंगे हम, जो हमारा करंट ईयर होगा उसमें क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे क्या, जो टी ओ वाई था, ठीक है, ये होगा, तो वही क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एज। अब क्या रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे क्या, क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले, और फर्स्ट नेम हमें पता ही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, तीनों हमें मिल गया। बट इस बार हमने डेट ऑफ बर्थ से ही एज को कैलकुलेट कर लिया, तो एक तरह से नया कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय मान लीजिए मैं एक नया एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए अमित, अमित हमने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, हाँ मान लीजिए यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ नया एम्प्लॉय रवि, तो मान लीजिए हम एम्प्लॉय डॉट क्रिएट एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अब नेम देंगे हम रवि, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम यादव, और एज की जगह क्या दे देंगे हम, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए स्ट्रिंग फॉर्म में देना है हमें 12, मान लीजिए 07 1996, ठीक है, ऐसा मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ हमने पास कर दिया, अभी हम एज नहीं पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम प्रिंट करें रवि डॉट गेट डिटेल्स, ठीक है, देखने मिलता है कि नहीं मिलता है, देखो बुलेटिन ऑब्जेक्ट हियर, थोड़ी गलती आ रही है यहाँ पे, ठीक है, देखने की गलती आ रही है यहाँ पे, टुडे एक्चुअली फंक्शन होता है, तो ऐसे हम फंक्शन की तरह पास करेंगे यहाँ पे टुडे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे क्या हो रहा है, रिया का भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, रिया तो कमेंट कर देता हूँ रिया का, तो अभी देखते हैं क्या आता है। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसका डिटेल हमें एज भी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया 27। इस तरह से हम क्लास मेथड के हेल्प से अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन में। तो ये काफी यूजफुल यूज केस है, बहुत जगह यूज होता है, आपको आना चाहिए, आगे हम जब पढ़ेंगे डिजाइन पैटर्न्स वगैरह तो भी यहाँ पे यूज होगा, कैसे क्लास मेथड के हेल्प से हम डिजाइन पैटर्न में भी यूज करते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, वरना पार्ट 1 में हमने सीखा कि क्या होता है क्लास मेथड, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसे डायनेमिकली हम चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हमने सीखा कि कंस्ट्रक्टर बनाने में, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर बनाने में कैसे हम यूज करते हैं क्लास मेथड का, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक।